नमस्ते दोस्तों, हाउ यू डूइंग। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौथा स्टेप को लेके इन पावर फ्रीलांसिंग। अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक द वीडियोस। आई लिंक ऑल द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन हियर। तो पहला वीडियोज हमारा था प्रिपरेशन के ऊपर, दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तीसरा था वर्क के ऊपर। आज है चौथा वीडियो जहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो और कोई इवोल्यूशन नहीं कर रहे हो और कोई चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे आपको ये दिखे कि आप कैसा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो मे नॉट बी दैट इफेक्टिव एज मच इट कुड बी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा एंड आई एम श्योर यू विल नो ए लॉट अबाउट इवोल्यूशन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक। तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज नथिंग बट चेकिंग योर ओन वर्क। आप कौन सी दिशा में जा रहे हो? अगर आपका कोई एम है तो आप उस एम को पूरा कर पा रहे हो कि नहीं, या फिर इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द राइट डायरेक्शन। दीज आर द थिंग्स दैट यू वुड नो इफ यू इवोल्यूएट वॉट एवर यू आर डूइंग इन ए प्रॉपर वे। इवोल्यूशन इज एक्चुअली ए सेफ्टी मेजर इन लॉट ऑफ प्लेसेस। अगर आप एक बाई रोड कहीं जा रहे हो, आप बस में हो या फिर आप कार ड्राइव करके जा रहे हो या फिर आप बाइक में कहीं जा रहे हो, तो यू विल सी माइल स्टोन्स, राइट? एवरी 1 किलोमीटर और 1 माइल दे विल बी स्टोन। इन इंडियन रोड्स यू विल सी किलोमीटर स्टोन्स और इन फॉरेन रोड्स यू विल सी माइल स्टोन्स, जहाँ पे ये लोग माइल के हिसाब से रखते हैं। हर माइल में एक एक स्टोन रहता है। सो दीज आर वॉट दीज आर एक्चुअली टेलिंग यू दैट यू आर ऑन द राइट रोड। फर्स्ट थिंग, that this road will take you to your destination. The second thing that they are saying is after each 1 kilometer, are you actually reaching your goal in that particular time? You can actually check your speed, your average speed, if it is relevant to what you are doing. If you want to reach to a place by certain time, you will know, okay, I'm covering this many kilometers and this many kilometers are remaining. So मुझे पता है कि इतने टाइम में इतना घंटा मुझे यहाँ से लगेगा एंड दिस मच टाइम आई विल टेक टू रीच दैट प्लेस। दैट इज ए सेफ्टी मेजर और ए वे टू इवेलुएट योर जर्नी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वर्क एज वेल। अगर आप एक ब्लॉगर हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लॉग में ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। यूट्यूब से आ रहे हैं या फिर कोई दूसरा ब्लॉगर से आ रहे हैं जहाँ पे आपने गेस्ट पोस्ट किया था, या फिर कोई और वेबसाइट है जहाँ से बैकलिंक्स आपको मिल रहे हैं। सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो हाउ यू विल इवेलुएट दैट? यू कैन गो टू गूगल एनालिटिक्स, यू कैन चेक योर ट्रैफिक सोर्सेस, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू फाइंड आउट वेयर योर ब्लॉग इज गेटिंग ऑल द ट्रैफिक फ्रॉम। दैट इज़ वन वे ऑफ इवेलुएटिंग एज वेल। और एक तरीका है, जैसे अगर आप फाइवर में काम कर रहे हो या फिर अपवर्क में काम कर रहे हो, तो आप हर महीने के बाद में अपना अर्निंग्स पुल आउट करके आप देख सकते हो कि आप कौन से महीने में और थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द मंथ ऑन व्हिच डेज यू आर गेटिंग मोर वर्क और मोर हिट्स। वो भी आप फाइवर के एनालिटिक्स में या फिर अपवर्क के एनालिटिक्स में आप वो सब देख सकते हो। सो लुकिंग इनटू दैट यू विल इवेलुएट हाउ यू आर डूइंग ऑन वेरियस डेज ऑफ द वीक, ठीक है? तो वो आपको एक हिट्स अप दे सकता है कि ओके, ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज आई गेट मोस्ट ऑफ माई वर्क, मोस्ट ऑफ माई रिक्वेस्ट। सो अगर आगे जाके आपको कुछ प्लान करना है अगले वाले वीक में, तो आप पहले से ही सबको बोल दोगे कि मंडे एंड वेडनेसडे को आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका ज़्यादा काम रहता है, राइट? सो दिस इज हाउ यू इवेलुएट एंड यू इम्प्लीमेंट द आउटकम और द लर्निंग्स दैट यू गेट फ्रॉम द इवोल्यूशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ लेके मैंने अपना कोर्स में डाला है, विच इज़ पावर फ्रीलांसिंग। वहाँ पे इवेल्युएशन वाला जो सेक्शन है वहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने बात किया है, हाउ यू कैन इवेल्युएट योर वर्क, हाउ यू कैन इवेल्युएट वट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर फ्रीलांसर और यू आर नॉर्मल ऑफिस गोअर। आई एम श्योर दैट दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विल हेल्प एनी वन फॉर दैट मैटर। तो आई सजेस्ट दैट यू चेक आउट माई कोर्स, यू चेक आउट द कोर्स डिस्क्रिप्शन एंड द फ्री प्रीव्यू वीडियोज दैट आई हैव ऑन दैट कोर्स। एंड अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये लगे कि नहीं, ये कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ गो अहेड एंड टेक अप दैट कोर्स।
I'll leave a discount coupon in the description, which will let you to take up that course for $10 or $9.99. तो आपको पूरा पैसा पे करने का ज़रूरत भी नहीं है. तो प्लीज़ यूज़ दैट कूपन एंड टेक अप द कोर्स ऑन Udemy. आज की वीडियो में इतना ही. मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी ए थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई एम श्योर देर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल बी नीडिंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन देयर डेली लाइफ. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आई कीप क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस वेरी फ्रीक्वेंटली. थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग. दिस स्टैंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर. टेक केयर. बाय बाय.